सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेबिन, आप देख रहे हैं टेकी जेबिन। दोस्तों मैं आज एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ जो है एलजी का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, जो मैंने अभी आज ही दो दिन पहले ही मैंने परचेस किया था अमेज़ॉन से, जो उसकी प्राइस पड़ी मुझे 11,500 रुपये। क्योंकि ये आपको एक ऑन द डील जो डे ऑफ द डील होती है और रिपब्लिक जो ग्रेट इंडियन सेल होती है, इसमें मुझे ऑफर में ये मिला। क्योंकि इसकी प्राइस ऑफिशियली जो देखा जाए तो इसकी 20,500 रुपये की प्राइस लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये डिस्काउंट में बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल चुका है। ये एक अल्ट्रा वाइड है, यानी कि बजट में आपको एक अच्छा अल्ट्रा वाइड आपको मॉनिटर मिल जाता है, जिसकी जो साइज़ है वो है 25 इंच का। आप देख सकते हो 64 सेंटीमीटर है, 25UM58 का जो ये मॉडल नंबर है इसका। और ये IPS पैनल आपको मिल जाती है और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और गेम कंट्रोल है वो भी आपको मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जो LG की तरफ आपको मिल जाती है। तो LG की कंपनी है तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं मिलेगी। तो हम फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और कैसा है आपको दिखा देते हैं, क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस मेंशन की गई है 20,500 रुपये। मैंने ऑफिशियली जो LG की वेबसाइट है उसमें आपको 20,500 के ही प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन अमेज़न पे आपको मिल जाएगा। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जगह परचेस कर सकते हो। तो हम यहाँ से राउंड कर देता हूँ पीछे की तरफ, तो यहाँ पे सील है तो हम सील यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं तो पहले हमको मिल जाता है ये स्टैंड। आप देख सकते हो ये स्टैंड आपको मिलता है। तो स्टैंड में आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक की मिल जाती है जैसे आसानी से आप इसे लॉक कर सकते हो। और क्या कुछ मिलता है हम देख लेते हैं। ये एडेप्टर आपको मिल जाता है, ये 19 वोल्ट का एडेप्टर है, पता नहीं ऐसा क्यों इतना भारी है पर ये है तो है इसमें। तो ये 19 वोल्ट का एडेप्टर। दूसरा हमें बॉक्स कंटेंट में और कुछ क्या मिलता है, तो ये आपको स्टैंड मिल जाता है जो एक एडजस्टेबल स्टैंड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ स्टेटिक ही रहेगा ये स्टैंड। तो इसे भी साइड पर रख देते हैं। और ये आपको HDMI केबल आपको मिल जाती है और कुछ स्क्रू और ड्राइवर्स के लिए आपको मिल जाती है। तो HDMI केबल आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा, इनबिल्ट ही आपको मिल जाएगा। ये कुछ DVD और यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है और कैसे आपको लगाना इसे उसे इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है। तो हम इसे साइड पे रख देते हैं, बाकी बॉक्स कंटेंट देखते हैं क्या। तो ये मुझे मिल चुका है, ये देख सकते हो ये थोड़ा भारी है। तो मैं इसे साइड पे कर देता हूँ बॉक्स ये। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही वाइड है, मैंने सोचा था उससे ज़्यादा वाइड है। और मेरे पास जो अभी पड़ा है फिलहाल वो ये 21x5 इंच का है, LED पड़ा है। तो वो उसका भी हम करेंगे, देखते हैं कि इसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है। ये आपको 21:9 रेजोल्यूशन वाली आपको IPS पैनल आपको मिल जाती है, ये फुल HD रेजोल्यूशन है। तो हम इसे स्टैंड करके मैं दिखा देता हूँ कैसा है आपको लगता है इसमें। तो मैं अभी स्टैंड कर लेता हूँ इसे। तो ये मेरा LED लग चुका है, अच्छी तरह से मैंने स्टैंड लगवा दिया है, देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा लुकआउट में मिल रहा है। पीछे की तरफ आप बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको ये दो HDMI पोर्ट आपको मिल जाते हैं और एक हेडफोन जैक आपको मिल जाता है, एक पावर का जो बटन है वो आपको दे लगा से ये पावर एडेप्टर लगा सकते हो।
तो यहाँ से मैं पीछे की रिफिल हटा देता हूँ। तो पीछे में आपको LG का लोगो आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो। पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी फिनिश आपको मिल जाता है, ये सिर्फ प्लास्टिक बॉडी आपको मिल जाती है। आगे की तरफ आपको मिलती है वो है मैट फिनिश मिलता है, यानी कि एक अच्छी बात है कि आपको एक रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लॉसी फिनिश होने के बाद आपको आगे की तरफ आपको एक रिफ्लेक्शन आपको मिल जाता है, अपना ही परछाई मिल जाती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसमें स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसा लगता है इस वीडियो में। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये LED सेटअप कर लिए और आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से लगा दिए और बहुत ही अच्छा लुकआउट, पहली बार में जो इम्प्रेशन लगता है वो बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है लुकआउट के मामले में और सभी के मामले में। और दूसरी बात, इसमें आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन आपको सभी मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेनू आपको मिल जाता है, और बैक करूँगा बाद में आप देख सकते हो ऊपर पिक्चर मोड आपको मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है, ऑफ करने के लिए भी आपको ऑप्शन है, एग्जिट के लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक ही आपको जॉयस्टिक जैसा एक आपको मिल जाएगा एक बटन, तो वहाँ से आप सारे कंट्रोल आप कर सकते हो। अलग से कोई आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें आपको जो DVD मिलती है वो DVD के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके मैंने इंस्टॉल कर दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आपको बहुत बड़ी डिस्प्ले आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप सारे कंट्रोल आप कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा कि आप कैमरा CCTV कैमरा यूज़ करेंगे तो इसका ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, कि आपके पास बहुत सारे कैमरा है तो इसमें आपको लगा सकते हो, तो वो भी अच्छा है। दूसरी बात, इसका मेन फीचर है वो है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग आप कोई भी एडिटिंग आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं अपना जो Adobe प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट है यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, तो पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको दिख जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपको अलग से कोई टाइमलाइन का क्या होगा कि आपको जूम इन जूम आउट करने का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर आपको मिल जाता है इस डिस्प्ले में। डिस्प्ले में तो नहीं, पर डिस्प्ले जो बहुत ही अच्छी है। तब देख सकते हो बहुत ही बड़ा एरिया आपको टाइमलाइन का जो एरिया है आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छी तरह आप एडिट कर सकते हो। दूसरा इसका जो मेन फायदा है वो है इसका गेमिंग के लिए, तो आपको गेमिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फील मिल जाएगा, यानी कि 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको डिस्प्ले मिल रही है तो बहुत ही अच्छा आपको एक स्पेस मिल जाएगा, तो आपको अच्छी तरह गेम खेल सकते हो। तो गेमिंग के लिए भी आपको ये मॉनिटर बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इसमें आपको फुल HD रिजोल्यूशन है, तो आपको कोई भी जो ऑफलाइन कोई भी आप मूवीज डाउनलोड करेंगे या अपने देखेंगे तो आपको एक अलग से आपको एक पूरी की पूरी डिस्प्ले में आपको फील मिल जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर या नीचे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपको कोई कटआउट नहीं मिलेगा सिर्फ। और ये डिस्प्ले में बताना चाहूँगा 90:20x1080 वाली जो कोई भी आप वीडियो ओपन करेंगे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली, तो इसमें आपको साइड में दो कट आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब की कोई वीडियो आप ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको कोई सारे साइड में आपको दो कट आपको मिल जाएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यानी कि फुल HD रिजोल्यूशन वाला कोई भी आप वीडियो ओपन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो वीडियो आपको ओपन करते हैं वो सभी आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको वीडियो मिल जाती है। 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली कुछ वीडियो ही आपको मिलेगी, ज़्यादा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें जो आपको एक बताना चाहूँगा कि जो आपको ये जो बॉर्डर मिलती है ये आपको ऑन जो स्क्रीन है वो आपको पूरा का पूरा ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बंद ऑफ कर दिया है, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैट फिनिश आपको मिल जाता है, आप देख सकते हो मैट फिनिश है। और इसमें आपको पता नहीं चलता कि आपको इसमें बहुत सारे लंबी ज़्यादा बॉर्डर है, तो आपको एक चीन जो आपको एक छोटी सी चीन प्लास्टिक की बॉडी जो चीन मिलती है वैसी आपको चीन मिल जाती है, पर लेकिन आप जैसे ही ऑन करेंगे ये डिस्प्ले को, मैंने इसे ऑन कर देता हूँ, तो मैंने ऑन कर दिया तो आप देख सकते हो साइड में से आपको ये दिख जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे पट्टी, तो आपको बंद करेंगे तो ऐसा नहीं फील होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, आपको लेना हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। क्रिएटर बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के जो भी क्रिएटर आप एडिट करते हैं, कोई भी आप वीडियो एडिट करते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। दूसरी बात, आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो गेमिंग के लिए भी आपको बहुत अच्छा आपको लुकआउट आपको इस डिस्प्ले में आपको मिल जाता है। दूसरी, ऑडियो एडिटिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर परचेस करते हो।
मैंने सिर्फ 11,500 रुपये पे किए, ज़्यादा कुछ भी पे नहीं किया है मैंने, और डिलीवरी चार्ज तो आपको नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छी तरह मेरा जो पैकेजिंग था वो मुझे मिल चुका है। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा कि अमेज़न में बहुत ही अच्छा आपको एक मिल जाता है, आप LG से मत लीजिए, इसमें अमेज़न से ले लीजिए तो बहुत ही अच्छे आपको फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।